हरियाणा में नई सरकार का शक्ति परीक्षण। आज फ्लोर टेस्ट से गुजरेगी सैनी सरकार। नाराज अनिल विज, क्या करेंगे कोई खेला। हरियाणा में बीते मंगलवार को बड़े सियासी उलटफेर के बाद नई सरकार का गठन हो गया और नायब सिंह सैनी ने नए सीएम के रूप में शपथ ली, जिसके बाद आज बुधवार को सैनी सरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से गुजरने वाली है। इसके लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले नए सीएम नायब सैनी ने विधायक दल की मीटिंग की। आंकड़ों के लिहाज से नायब सरकार के पास बहुमत से ऊपर का आंकड़ा है। बीजेपी सरकार को 48 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 का बनता है, जिसे सैनी सरकार निर्दलियों की सहायता से आसानी से पार कर लेगी। वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर सीएम सैनी ने बहुमत का दावा करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी, और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास, आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। बता दें कि बीते रोज सियासी बदलाव के साथ ही बीजेपी और जीजीपी का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी ने राज्य के नए सीएम के रूप में शपथ ली है। नायब सिंह सैनी के अलावा बीजेपी के 4 और एक निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल के अलावा बनवारी लाल और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली। ये पांचों मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्रिमंडल में थे। हालांकि वहीं पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से 6 बार के विधायक अनिल विज को नई कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली है, जिनको लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं कि कहीं विज कोई खेल तो नहीं करने वाले हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत ही कम नजर आती हैं। हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें फिर से जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने पर पार्टी एक बार फिर से सरकार भी बनाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।